हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैं है ना मास्क तैयार कर रही हूँ अपने हेयर के लिए, जो कि आपके हेयर को डीप कंडीशनिंग प्रोवाइड करेगा, साथ साथ आपके स्कैल्प से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी दूर करेगा। यहाँ पे मैं नूपुर का है ना यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, बट ये ध्यान में रखिएगा कि जो कलर होता है हेना का वो इस तरीके से ग्रीन होना चाहिए, दूसरा कलर नहीं, तभी वो ओरिजिनल प्योर हेना होता है। साथ साथ यहाँ पर मैं इंडस वैली का हिबिकस पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये आपके हेयर फॉल में मदद करेगा एंड साथ साथ आपके हेयर ग्रोथ में भी ये आपको हेल्प करेगा। एंड इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे एंड क्वांटिटी अपने हेयर के हिसाब से ही आप तैयार कीजिएगा। मैं अपने हेयर के हिसाब से इसकी क्वांटिटी मेजर कर रही हूँ। सो आपके हेयर शॉर्ट हो तो और कम क्वांटिटी, या फिर लंबे हो तो और ज़्यादा क्वांटिटी में आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, मैं यहाँ पे कॉफ़ी वाटर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट कॉफ़ी पाउडर इसमें मिक्स कर सकते हैं, बट मैंने कॉफ़ी वाटर तैयार कर लिया है एंड ये वार्म है अभी भी, तो मैं वार्म रहते ही इसको मिक्स करूँगी ताकि कोई लंप्स ना पड़े। एंड इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे एंड टेक्सचर कुछ इस तरीके से थिक रखिएगा, बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं रखिएगा। अब इसको हम रैप कर देंगे प्लास्टिक से, या फिर आप चाहे तो लिड से ढक के इसको कल तक के लिए छोड़ देंगे। यस, हम इसे कल यूज़ करेंगे एंड आज हम इसे प्रिपेयर कर लिए हैं। तो कल इसमें ओपन करके मैंने यहाँ पे यूज़ करने से पहले कर्ड इस्तेमाल किया। इसमें 2 या 3 टेबलस्पून आप कर्ड यूज़ कर लीजिए। कर्ड बहुत ही अच्छा होता है आपके हेयर्स के लिए एंड इसके बेनिफिट्स मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे एंड अब हमारा है ना मास्क रेडी है अप्लाई करने के लिए। तो चलिए, मैं ऑफ कैमरा इसको अप्लाई करने के बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, मैंने हेना मास्क को अप्लाई कर लिया है अपने हेयर पे एंड साथ मैंने उसे एक प्लास्टिक से कवर कर लिया है ताकि उसके स्टेन्स कहीं मेरे कपड़े पे ना लग जाए। आप चाहे तो शावर कैप उससे अपने हेयर को कवर कर लीजिए। सो अब इस हेयर मास्क को हम कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए रहने देंगे, उसके बाद हम जस्ट नॉर्मल वाटर से वॉश करेंगे एंड हम कल और शाम को करेंगे। आज हम रात को सोने से पहले कोकोनट ऑयल अप्लाई कर लेंगे अच्छे तरीके से अपने हेयर पे एंड उसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग हम शाम को करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हेना के जो कलर्स आते हैं, नेचुरल कलर्स आते हैं, वो लॉन्ग टाइम तक रहेंगे। साथ साथ हेना अप्लाई करने से कहीं ना कहीं आपके हेयर थोड़े से ड्राई एंड फ्रिजी हो जाते हैं, तो अगर आप कोकोनट ऑयल आप ओवरनाइट अप्लाई करके रखोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी हेयर की जो मॉइस्चराइजेशन है, आपकी नरिशमेंट जो है वो बरकरार रहेगी एंड आपकी हेयर बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। सो इसलिए हम कोकोनट ऑयल अप्लाई करेंगे आज रात को एंड देन कल शाम को करेंगे। तो मैं आपसे मिलती हूँ आफ्टर वॉशिंग इट ऑफ विथ नॉर्मल वाटर एंड है ना आपके ग्रे हेयर्स को भी कवर अप करने में हेल्प करता है। मेरे भी कहीं कहीं ग्रे हेयर्स आ गए हैं, सो वो भी कवर अप हो जाते हैं। सो फ्रेंड, हेयर को मैंने नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया है एंड जो फर्स्ट इम्प्रेशन है कि मेरी हेयर बहुत ही वॉल्यूमिनस से फील हो रही है। आप देख सकते हैं कि हेयर में वॉल्यूम सा आ गया है मेरे एंड इसी जो कलर्स है मेरे हेयर के वो भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। लाइक ऐसे तो ऑन कैमरा समझ में नहीं आ रहा है, बट एक जो डार्क ब्राउन शेड होता है वो शेड आ गया है मेरे हेयर्स पे एंड जो मैंने बताया था कि मेरे ग्रे हेयर्स है उन वो भी लाइक लाइट ब्राउन से हो गए हैं, तो एक हाईलाइट की तरह हो गया, लाइक डार्क ब्राउन पे एक लाइट ब्राउन शेड सा आ गया है। तो डेफिनेटली अगर आप देख सकते थे मेरे यहाँ पे ग्रे हेयर्स थे कुछ कुछ, तो अभी आई थिंक विजिबल नहीं होंगे क्योंकि कलर से कवर हो चुका है ये, लाइक हेना से कवर हो चुका है, सो आपको विजिबल नहीं होगा, बट डेफिनेटली मेरे ग्रे हेयर्स कवर किए हैं इनने इस हेयर मास्क में एंड मेरी हेयर बहुत ही लाइक हेल्दी सी फील हो रही है। यू नो, जब हम अपने हेयर्स को टच करते हैं तो फील होता है कि हमारी हेयर हेल्दी है या अनहेल्दी सी फील होती है, तो उस टाइप की लाइक फीलिंग आ रही है, मेरी हेयर बहुत ही लाइक हेल्दी एंड वॉल्यूमिनस से फील हो रही है। सो हम रात को अब इसमें कोकोनट ऑयल अप्लाई करके सो जाएंगे एंड देन कल नेक्स्ट मॉर्निंग हम शैम्पू कर लेंगे, तो उसके बाद आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लाइक आपकी हेयर बहुत ही स्मूथ एंड लाइक शाइन प्रोवाइड हो जाएगा आपके हेयर से बहुत ज्यादा। तो मैं ये हेना मास्क वंस इन अ मंथ या फिर ट्वाइस इन अ मंथ डेफिनेटली अप्लाई करती हूँ एंड क्योंकि मुझे ज्यादा कलर करना अपने हेयर पे पसंद नहीं है, इंस्टेड मैं हेना अप्लाई करना
ज्यादा प्रेफर करती हूँ। सो हेना मास्क डेफिनेटली डीप कंडीशनिंग की तरह वर्क करता है एंड आपके हेयर एंड स्कैल्प को लाइक ओवरऑल जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उन सबसे छुटकारा दिलाने में हेल्प करता है। सो आई होप आपको ये हेयर मास्क अच्छा लगा होगा एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए एंड अपने फ्रेंड एंड फैमिली के शेयर जरूर कीजिए। आई नो मैं बहुत टाइम से वीडियोस नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ, बहुत सारे रीजंस हैं इसके पीछे एंड मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो मोर फ्रिक्वेंटली शेयर करती रहूँ आपके साथ। सो प्लीज कीप शोइंग योर लव एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। दैट्स इट, आई एम टेकिंग लीव नाउ। बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू बी ब्यूटीफुल। See ya.